नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने डिप्टी सीएम पद की मांग कर तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा दी है। जी हां, विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने दिल्ली में कांग्रेस के नेता अहमद पटेल से मुलाकात की और पटना में तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के बाद ये बड़ी मांग उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि डिप्टी सीएम का पद मुकेश सहनी को ही मिलना चाहिए। इस बाबत विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजीव मिश्रा ने भी बताया है कि फिलहाल महागठबंधन की स्थिति अब थोड़ी ठीक हो गई है, क्योंकि जब से कई सारी पार्टियों ने महागठबंधन को छोड़ा है, जब से जीतन राम मांझी की पार्टी हम महागठबंधन से अलग हुई है, उसके बाद से फिर आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व से नाराज है, तो उनका भी राह अब अलग हो चुका है। तो ऐसे में राजीव मिश्रा का कहना है कि अब कुछ ही पार्टियां जो है महागठबंधन में रह गई हैं, ऐसे में सारा कुछ जो है अब अच्छे तरीके से डिसाइड हो पाएगा, सीट शेयरिंग सही तरीके से हो पाएगा, इसलिए हमारी पार्टी की जो सोच है और हमारी पार्टी की जो बातचीत नेताओं से हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी मजबूती महागठबंधन में बरकरार रहेगी। इसके अलावा राजीव मिश्रा ने यह भी बताया है कि 25 सीटों पर मुकेश सहनी की तरफ से दावेदारी ठोकी गई है। अब देखना होगा कि इस पर बातचीत बनती है या फिर नहीं बनती है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने तेजस्वी यादव की टेंशन को बढ़ा दिया है। फिलहाल तेजस्वी यादव जो हैं अपनी रणनीति और अपने गोल सेट कर रहे हैं कि किस तरीके से वो चुनाव लड़ेंगे, और इसी बीच महागठबंधन में कई सारे ऐसे नेता हैं जो महागठबंधन से बगावत कर रहे हैं, और वो जिसमें सबसे पहले जीतन राम मांझी का नाम था और वो तो अलग हो गए, लेकिन उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने भी ये साफ कर दिया कि अब उन्हें तेजस्वी यादव का नेतृत्व नहीं पसंद है। हालांकि अभी तक उन्होंने साफ नहीं किया है कि उनका अगला कदम क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं वो महागठबंधन के नेतृत्व से यानी कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व से खफा हैं। तो अब मुकेश सहनी ने डिप्टी सीएम पद के लिए दावा ठोक दिया है। इसी बीच खबर ये भी है कि महागठबंधन में अब जाकर कहीं ना कहीं सीट फॉर्मूला जो है तय हो चुका है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक जितनी भी पार्टी अब महागठबंधन में रह गई है, जैसे राजद, कांग्रेस और वीआईपी, और इसके अलावा माले और सीपीआई को भी मिलाने की कोशिश की जा रही है। अब उसमें देखना होगा कि बात बनता है या नहीं, लेकिन फिलहाल जो खबर है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि सीटों का फॉर्मूला भी महागठबंधन में सेट हो चुका है और 30 सितंबर तक यानी कि 30 सितंबर को महागठबंधन की तरफ से सीटों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव क्या करते हैं, तेजस्वी यादव किस तरीके से मुकेश सहनी से बातचीत करते हैं, और जो मुकेश सहनी ने यह दावा ठोका है उसमें कितना दम है ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन मुकेश सहनी की तरफ से अब ये साफ कर दिया गया है कि डिप्टी सीएम का पद उन्हें ही मिलना चाहिए। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।